न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। सीधी के आज मंगल के वार हादसन के वार बनिया अबे तक माँ देर रात 7:30 बजे के वक्त तक 47 लोगन के दुखद निधन हो चुका है। यह पूरे मामला में सरकारन के पक्ष आ चुका है, विपक्ष के पक्ष आ चुका है, किंतु अबे तक यह नहीं डिसाइड हो पावा है आखिर यह पूरी घटनाक्रम के जिम्मेदार को है। हमारे साथ यह पूरे मामला में बात करे खातिर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी हमारे साथ हैं। भैया कहा है यह पूरी घटना देखे के बाद पहली प्रतिक्रिया कहा है अपना? देखिए ये घटना बहुत दुखद है और इस दुखद घड़ी में हमारी पूरी संवेदना परिवार के साथ है। जो भी पीड़ित परिवार है उनको ईश्वर इस दुखद घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। पर ये कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही की वजह से इस तरह की घटना घटी है। पहली बात तो जो नर्सिंग स्टाफ के एग्ज़ाम था उसका एग्जामिनेशन सेंटर सतना रखने की क्या आवश्यकता थी, जब सीधी जिला मुख्यालय है, सिंगरौली जिला मुख्यालय है, रीवा जिला मुख्यालय है, सब जिला मुख्यालय में क्यों नहीं हो सकता है जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है। तो इस तरह का जो फरमान राज्य सरकार की तरफ से जारी किया गया और सतना सेंटर जो निर्धारित किया गया, ऐसे ही पूरे प्रदेश में किया होगा। इनको अंदाज़ा नहीं है कि गरीबों को कितना तकलीफ़ होती है, कैसे व्यवस्था बना के ये सतना तक गए होंगे। कुछ लोग तो जो संपन्न रहे होंगे थोड़ा एक दिन पहले चले गए होंगे। ये अति गरीब लोग थे जो मजबूरी में लोगों से पैसा उधार लेके, कई यहीं पे पता चला मुझे कि उधार ले लेके पैसा जो है किस तरह से परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। और सरकार एक तो पहले कोविड में भर्ती की, कोविड में भर्ती के बाद इन सबको निकाल दिया, यही सब आंदोलन किए थे। फिर इनके साथ डंडे भी सरकार की तरफ से पिटवाया भी गया था भोपाल। और आज अगर कोई वैकेंसी निकली भी, इसमें पता नहीं कितने लोगों ने, लाखों लोगों ने आवेदन किया होगा, 700 की वैकेंसी थी। और ऐसा जो है ना दोहन करना नौजवानों का बेरोजगारों के साथ, सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। ये एग्ज़ाम जिले में होना चाहिए, हमारे जो परीक्षार्थी है कम से कम वो आसानी से पहुँच सकते थे। दूसरा, हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 5 दिन से बाधित था, इसके लिए भी जिला प्रशासन जिम्मेदार है। क्यों नहीं खुला और क्यों रूट चेंज करके बस को जाना पड़ा? तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए हम कह सकते हैं शासन प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। दूसरा, फिर सरकार के नुमाइंदे आते हैं और झूठा घड़ियालू आंसू बहाते हैं और मदद के नाम पे क्या मदद किया सरकार ने? भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने तो रिलीफ फंड से 2 लाख की रुपये की घोषणा कर दी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी ने 5-5 लाख रुपए की घोषणा कर दी, पर ये स्पष्ट नहीं किया कि जो 4 लाख रुपए पानी में डूबने से मिलने का प्रावधान है क्या वो अलग से मिलेगा कि वो उसी में शामिल है? अगर उसी में शामिल है तो सिर्फ आपने मध्यप्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए की ही मदद की। तो इस तरह से झूठ फरेब करना, भाषण देना, झूठी संवेदना प्रकट करना, ये सब ठीक नहीं है। इतने लोगों की जाने चली गई, क्या वापिस आ सकती है? उनके परिवार तबाह हो गए। अब ये जिम्मेदार लोग थे परिवार के, और परिवार के जो बड़े बुजुर्ग परिवार के दूसरे सदस्यों को बहुत आशा थी कि इनको नौकरी मिलेगी तो ये हमारे परिवार का जीवन यापन करेंगे। तो क्या सरकार की तरफ से घोषणा हुई कि इनके जो परिवार के दूसरे जो सदस्य हैं हम इनको नौकरी देंगे? वो भी नहीं हुई। इसमें कम से कम 50 लाख रुपये मुआवजा देना चाहिए और प्रत्येक परिवार के लोगों को नौकरी देना चाहिए, और साथ ही साथ इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि इस तरह की परिस्थिति क्यों बनी और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। भैया अपना की यह सवाल रहा है, मतलब कहा गया रहा कि 50 लाख के मुआवजा दिया जाए, मंत्री तुलसी सिलावट आए रहे हैं, उनसे जब हमारे द्वारा ये पूछा गया कि पूर्व मंत्री जो हैं उनके द्वारा मांग की जा रही 50 लाख के, तो उनके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस यह दुखद समय में जो है राजनीति कह रही है, यह बारे में क्या कहा बोलना? अब उन लोगों को हर बात में राजनीति लगती है, उनको तो समर्पण दिवस के लिए सारे अधिकारी कर्मचारी किसी को नहीं छोड़ा है, सबको टारगेट दे के रखा है, समर्पण करा रहे हैं। पर गरीब किसान मजदूर भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा है, बेरोजगार दिखाई नहीं दे रहा है। अगर किसी की मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई, सरकार की गलती की वजह से हुई, तो उसके लिए अगर हमने 50 लाख की मांग की है प्रत्येक परिवार के लिए, वो बहुत कम राशि है। जीवन से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता,
तो ये चाहे सिलावट जी हो, चाहे भारत मध्य प्रदेश सरकार के इनके मंत्री हो, चाहे भारत सरकार के भाजपा के नेता हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये पूरी तरह से गैर जिम्मेदार लोग हैं और इनकी संवेदना पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, सबके प्रति ये असंवेदनशील हो चुके हैं। ये सत्ता की लोलुपता में इतने मदमस्त हो चुके हैं कि इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। ये गए तो थे हॉस्पिटल में, दो बच्चियां जो एडमिट हैं इन्होंने भगा दिया। बोली इन्होंने, बच्चियों ने कहा कि हमारा अगर सेंटर सीधी में होता तो शायद हमारे परिजन या हमारे जो दूसरे साथी जो मारे गए जिनकी मृत्यु हो गई या आकस्मिक शायद नहीं होती, तो उसका जवाब नहीं दे पाए। यही 5 दिन से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद था, तो यहाँ के विधायक सांसद सो रहे थे क्या, और जिला प्रशासन सो रहा था क्या? ये कि सरकार की गलती नहीं है? तो ये बातें नहीं करेंगे हम, व्यवस्था सुधार करेंगे हम, हर उचित मदद करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, अपने आप को बचाने की बात करते हैं, कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के नेताओं ने जो देश और समाज के लिए किया है, जितने समर्पण के साथ काम करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के में संभव नहीं है। आए सब फोटो खिंचाए, झूठा आंसू बहाए घड़ियालू और चले गए, कोई दिखाई दिया? भैया यह पूरे घटनाक्रम में साफ तौर में बस के क्षमता रही 34 सीटर बस रही, बस में अभी तक में स्थिति यह है कि 54-55 लोगों के निकले के सूचना और जानकारी मिली है। भैया यह डबल क्षमता में चल रही बस, यह में ओवरलोड चल रही, तक का कांग्रेस विपक्ष जो है यह बात का पुरजोर विरोध करी या का आगामी दिनन में कांग्रेस के स्टैंड? देखिए जब न्यायिक जांच होगी, मजिस्ट्रेट जांच होगी, भाई उच्च स्तरीय जांच कराएं, जब जांच होगी तो गवर्नमेंट का एम्प्लाई कोई जांच करेगा तो वो लीपापोती करेगा, जो सरकार चाहेगी वही करेगा। न्यायालयीन जांच होनी चाहिए और जब जांच होगी तो सारी बातें सामने आएगी कि ओवरलोडिंग क्यों थी, क्यों ज़्यादा लोग बैठे थे, भाई सारी परिस्थितियाँ आएंगी। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है और सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करनी चाहिए, सिर्फ भाषणबाजी नहीं करना चाहिए और झूठा घड़ियालू आंसू नहीं बहाना चाहिए। भैया के ऊपर जिम्मेदारी तय हो थी या पूरे घटनाक्रम के का लागत है? अपनों सुबह से लगातार जो है घटनास्थल से लेके अभी तक PM के पूरी व्यवस्था दिख रहे हैं, लगातार दिख रहे हैं, का लागत है पूरे घटना के निचोड़ अपना का कि आखिर केकर जिम्मेदारी तय हो चाहिए या पूरे घटनाक्रम का लेके? देखिए घटनाक्रम के लिए प्रशासन, सरकार के प्रमुख सारे लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि सारे अधिकारी कर्मचारियों को भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने समर्पण दिवस मनाने के लिए चंदा वसूली में लगा के रखा है। अधिकारी कर्मचारी सब चंदा व्यवस्था में लगे हैं और चाहे दूसरे लोग हों, इनको वसूली के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। और ये वसूली अभियान किससे करेंगे? गरीबों से ही तो करेंगे, किससे करेंगे? तो ये जो चल रहा है, टारगेट दिया हुआ है अधिकारी कर्मचारियों को, 5 लाख का टारगेट दे दिया, किसी को 2 लाख का टारगेट दे दिया, ये कहाँ से लाएंगे? आजीवन सदस्यता, अरे आजीवन सदस्य तो लोग अपने आप बन जाते हैं। आप अच्छा काम करो, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कभी ये नहीं कहा था कि हमारा 1000 करोड़ रुपये का मंदिर बनाओ, या हमारे नाम पे चंदा वसूली पहले भी किया था फिर वसूली किया। कर्म का उल्लेख है राम राज्य की, ऐसी बात नहीं होती है। राम राज्य के लिए काम करना पड़ता है, उस तरह का काम करना पड़ेगा। और हर घर में, हर मन में भगवान श्री राम विराजित है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि 1000 करोड़ का मंदिर तो बना दो आप। सच बात तो ये है कि चंदा वसूली भाजपा कार्यालय बनाने के लिए हो रहा है, देश में सब जगह, हर जिले में, संभाग में बड़े बड़े कार्यालय बन रहे हैं ये चंदा वसूली के नाम पे। लूट खसोट मची हुई है, देश की जनता से, प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। भैया 12 घंटा से ज़्यादा वक्त बीत गया है, अभी तक जो है कौनों CM की ओर से कार्यवाही नहीं की गए, कौनों की जिम्मेदारी नहीं तय की गए, ना RTO के ऊपर कार्यवाही भय, न थाना प्रभारी के ऊपर भय, मतलब कौनों वो हिस्सा के ऊपर कार्यवाही नहीं भय जेकर प्राथमिक जिम्मेदारी तय हो चाहिए या तय रही है। चोर चोर मौसेरे भाई, सब एक हैं, उनको कोई संवेदना होती तो कार्रवाई करते भाई। अभी तक तो उनको जांच बैठा देनी चाहिए थी, अभी तक उनको कार्रवाई शुरू कर देनी थी, पर देर आए, दुरुस्त हो सकता है सद्बुद्धि आ जाए, इसकी जांच कराएं, जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई हो जिससे इस तरह की घटना नहीं घटे। तो देखिए ये सरकार पूरी तरह से उद्योगपतियों के लिए सरकार है। हमने यहाँ पे बहुत सारा अध्ययन किया, अल्ट्राटेक को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, पर जनता परेशान होती रहे, किसान परेशानी होती रहे, अल्ट्राटेक में कोई प्रॉब्लम आ जाए पूरा जिला प्रशासन से लेके प्रदेश सरकार सब बैठ जाएंगे, ये अंतर है।
निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे हैं मंत्री कमलेश्वर पटेल जी, जिनके द्वारा जो है 14 घंटा के समय बीते जाए के बादो अबे तक कौनो जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं भय आए और साफ तौर में अबे तक केहू के ऊपर कार्यवाही नहीं कीन गया है। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।